नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ICDS वर्कर प्रभा सिंह आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। बहनों, आज हम पोषण अभियान व बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर के विषय में बात करेंगे। आज हम आपको बताते हैं कि अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक कौन सी सामुदायिक गतिविधियां हमारे केंद्रों पर कराई जानी हैं। पहले से ही हमें इन गतिविधियों के दिनांक के विषय में पता होता है तो भूल होने की कोई आशंका नहीं रह जाती है। सितंबर माह तक की गतिविधि का वीडियो हमने बना के डाला था। अब हम शुरू करते हैं अक्टूबर माह में कौन सी गतिविधि करानी है। हमारी पहली गतिविधि शुरू होती है माह के प्रथम मंगलवार से, जिसमें कि वजन किया जाता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का। अक्टूबर माह का पहला मंगलवार 3 तारीख को हो रहा है, इसलिए हमारा पहला सामुदायिक 3 अक्टूबर को वजन दिवस है और 10 अक्टूबर को गोद भराई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरा स्पष्ट है, फिर भी मैं बोल दे रही हूँ जिससे कि आप लोग आसानी से लिख सकें। 10 अक्टूबर को गोद भराई है, जिसमें प्रथम त्रैमास की महिलाओं की गोद भराई की जाती है, जिसमें शामिल होती हैं गर्भवती महिलाओं के घर के सदस्य और धात्री माताएं और मार्थ समिति की अध्यक्ष। और हमारा अक्टूबर माह का अंतिम सामुदायिक गतिविधि है 25 अक्टूबर को वाश डे, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के बच्चे, बड़े, महिला, पुरुष शामिल होते हैं। अब हम चलते हैं नवंबर माह की गतिविधि पर। नवंबर माह में प्रथम मंगलवार 7 नवंबर को पड़ रहा है, जिसमें कि 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों का वजन लिया जाएगा और गर्भवती महिलाओं का भी इसमें वजन लिया जाता है। और नवंबर माह की दूसरी सामुदायिक गतिविधि है अन्नप्राशन, जो कि 14 नवंबर को है। अन्नप्राशन उन बच्चों का किया जाता है जो अपनी 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके हैं और उन्हें अर्धठोस आहार खिलाने की सलाह दी जाती है। 28 नवंबर को सुपोषण दिवस है, 30 नवंबर को किशोरी दिवस है। अब हम चलते हैं दिसंबर 2023 की तरफ। 5 दिसंबर 2023 को वजन दिवस है, जिसमें पुनः हमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का वजन करना होता है। 12 दिसंबर को गोद भराई है, जिसमें हमें प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करनी होती है। और दिसंबर माह का अंतिम सामुदायिक गतिविधि है 26 दिसंबर 2023 को, जिसमें 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का अन्नप्राशन किया जाएगा और उनके परिवार के सदस्यों को, बच्चों की माँ को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को समझाया जाएगा कि अब बच्चों को अर्धठोस आहार देना शुरू करें। ये रहा आंगनबाड़ी केंद्र पर की जाने वाली सामुदायिक गतिविधियों की तारीख। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।